ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों के मुद्दे पर बागी सुर तेज हो गए हैं। जानकारों की माने तो सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के तीन बड़े नेता पूर्व पीएम लिज ट्रस, पूर्व गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन और पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनेरिक ऋषि सुनक के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रच रहे हैं। ये तीनों नेता घोर कट्टरपंथी हैं। ये तीनों सुनक पर भारतवंशी होने के कारण अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर नरम रुख अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। उधर सुनक के तैयार किए गए अवैध प्रवासियों से जुड़े संशोधित रवांडा बिल को 12 दिसंबर को निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा जाएगा। इससे पहले सुनक विरोधी नेता ज्यादा से ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं को इस्तीफे के लिए लामबंद कर रहे हैं। इसके लिए सीक्रेट मीटिंग का दौर भी चल रहा है। खबरों की माने तो हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की नेता पेनी मॉर्डांट भी सुनक के खिलाफ मोर्चे में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा भारतवंशी पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ही पीएम सुनक के खिलाफ एक बगावत का नेतृत्व कर रही हैं। लिज ट्रस को भी उनका पूरा समर्थन है। दोनों नेताओं की सुनक के खिलाफ सियासी रंजिश भी है। लिज ट्रस को हटाकर ही ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने थे। सुनक ने हाल ही में सुएला को अपने मंत्रिमंडल से हटाया था। ये दोनों नेता अवैध प्रवासियों से जुड़े रवांडा बिल पर सुनक का विरोध कर पार्टी के कट्टरपंथी खेमे से समर्थन पा रहे हैं। सुनक के पास फिलहाल गद्दी को बरकरार रखने के लिए तीन गेम प्लान है। पहला, पार्टी चेयरमैन का साथ। सुनक ने 12 दिसंबर को बिल को सदन में रखने से पहले पार्टी के चेयरमैन रिचर्ड होल्डन को अपने पक्ष में कर लिया है। होल्डन का कहना है कि साल भर बाद होने वाले चुनाव से पहले सुनक को हटाकर अन्य की नियुक्ति करना पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित होगा। दूसरा, मिडिल क्लास वोट। ब्रिटेन के मिडिल क्लास में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक खासे लोकप्रिय हैं। उन्होंने कई मदों में टैक्स कटौती कर मिडिल क्लास को राहत प्रदान की है। सुपर रिच टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% करने का कदम खासा लोकप्रिय रहा। मिडिल क्लास में भी वो अपनी पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा है। तीसरा, संसद भंग का दावा। सुनक यदि रवांडा बिल को पास नहीं करा पाए तो वो संसद को भंग करने का दांव चल सकते हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी के ज्यादातर सांसद समय से पहले चुनाव में जाने से बचेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।